हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक रोहर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सियल डिफॉर्मेशन और इलॉन्गेशन ऑफ बीम ड्यू टू सेल्फ वेट। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिफॉर्मेशन देखा डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का, मतलब हमने टेपर्ड बार का इलॉन्गेशन देखा, रेक्टेंगुलर बार का इलॉन्गेशन देखा। तो सबसे पहले वो लेक्चर रेफर कीजिए, उसमें मैंने सारे बेसिक एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसके बाद इस लेक्चर को स्टार्ट कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा केस है वो है प्रिज्मेटिक बार का। तो ये प्रिज्मेटिक बार है, मैंने पहले ही भी समझाया, प्रिज्मेटिक बार मतलब जिस बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज ए इज कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक बार बोलते हैं। इसका जो लेंथ है वो है एल और जो वेट है उसका वो कितना है डब्ल्यू। इसका जो सेल्फ वेट है वो है W और ये जो बार है ये यहाँ पर फिक्स किया गया हुआ है। और हम ये केस कौन सा है, यहाँ पर ये जो सेल्फ वेट है बार का उसकी वजह से जो प्रिज्मेटिक बार का इलॉन्गेशन होगा वो हमें निकालना है। तो चलो ये कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है dx वो कंसिडर करेंगे। सबसे पहले इस एलिमेंट का डिफॉर्मेशन निकालेंगे और उसको ओवर द लेंथ इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो एलिमेंट है dx उसका बॉटम से डिस्टेंस कितना है x कंसिडर करते हैं। तो देखिए, ये जो एलिमेंट है dx उस पर जो एक्सटर्नल लोड एक्ट होगा, मतलब जो जिस फोर्स की वजह से इसका एलोंगेशन होगा वो कितना होगा, जो इस एलिमेंट के नीचे का जो पोर्शन है दिस पोर्शन, इसका वेट क्या, इसका वेट इस एलिमेंट पर एक्ट होगा। तो वो कितना वेट एक्ट होगा वो हम डब्ल्यू एक्स कंसिडर करते हैं। और इस डब्ल्यू एक्स वेट की वजह से जो डीएक्स एलिमेंट का डिफॉर्मेशन होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। तो देखिए, ये एलिमेंट है डीएक्स, इसका जो लेंथ है वो है डीएक्स और इस पर जो वेट एक्ट हो रहा है वो कितना एक्ट हो रहा है, डब्ल्यू एक्स एक्ट हो रहा है। और इस डब्ल्यू एक्स वेट की वजह से इसका डिफॉर्मेशन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा, जो ये वेट एक्ट हो रहा है डब्ल्यू एक्स वो कितना एक्ट हो रहा है वो हमें सबसे पहले निकालना होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा बार है उसका वेट कितना है डब्ल्यू और इसका जो स्पेसिफिक वेट है वो कितना है गामा। तो सबसे पहले स्पेसिफिक वेट मतलब क्या है, तो हमें पता है कि जो मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है उसका हम क्या लिखते हैं, डेंसिटी। और जब डेंसिटी को हम जी से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन है जी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है स्पेसिफिक वेट। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये याद रखिए, स्पेसिफिक वेट मतलब रो इंटू जी। तो इससे हम ये जो एलिमेंट है उसका वेट निकाल सकते हैं, जो वेट उस पर एक्ट हो रहा है वो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये जो पूरा पोर्शन है मतलब ये एलिमेंट के नीचे का, उसका वेट हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या लगेगा, वॉल्यूम लगेगा। तो एरिया तो कांस्टेंट है पूरे बार का, तो एरिया इंटू एक्स क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। और जब हम उसको गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा। तो जो फोर्स एक्ट हो रहा है मतलब जो भी वेट एक्ट हो रहा है इस एलिमेंट dx पर वो हमें मिल गया, वो कितना है, गामा इंटू ए इंटू एक्स। तो इतना जो फोर्स है इस एलिमेंट पर एक्ट हो रहा है, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमने जो बेसिक फॉर्मूला देखा है pl अपॉन ae प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें ये p हमें मिल गया, मतलब जो फोर्स एक्ट हो रहा है इस एलिमेंट पर वो हमें मिल गया। तो यहाँ पर हम p की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, डब्ल्यू एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलो आगे का डेरिवेशन जो है वो देखते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा एलिमेंट था dx उस पर ये डब्ल्यू एक्स फोर्स एक्ट हो रहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो डब्ल्यू एक्स का वैल्यू कितना है, गामा इंटू ए इंटू एक्स, तो दिस इज वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एक्स। और ये जो वैल्यू है हम वो पी एल ए अपॉन ए का जो इक्वेशन था उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसमें हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, डब्ल्यू एक्स इंटू डी एक्स जो हमारा एलिमेंट है उसका लेंथ कितना है, डी एक्स अपॉन ए। तो हमारा ये जो आ गया, ये क्या आ गया, जो हमने प्रिज्मेटिक एलिमेंट लिया था डी एक्स उसका डिफॉर्मेशन हमें मिल गया। हमें अब पूरा जो बार है हमारा
उसका डिफॉर्मेशन निकालना है। तो ये जो बार है जिस पे जिसका सेल्फ वेट लग रहा है उस पर, उसका हमें डिफॉर्मेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओवर दो जो उसका लेंथ है उसके लेंथ पर ये जो एलिमेंट है वो हम इंटीग्रेट करेंगे। तो 0 टू l ये जो वैल्यू है हमने क्या की, इंटीग्रेट की। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या क्या आएगा, गामा इंटीग्रेट की, और यहाँ पर जो हमारा डब्ल्यू एक्स का जो वैल्यू है वो भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या क्या है, गामा इंटू ए, और जो इलास्टिक कांस्टेंट होगा वो ये जो है ये सब कांस्टेंट होंगे। और सिर्फ क्या हो रहा है, जो लेंथ जो है वो वैरी हो रही है। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। और बाकी सारी जो क्वांटिटीज है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो और ये ए कैंसिल हो गया। उसके बाद हम एल और जीरो की वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन जो आ गया पूरे बार का, जो टोटल इलोंगेशन आया वो कितना आया, गामा एल स्क्वायर अपॉन टू ई। ये जो है ये टोटल बार का इलोंगेशन आया। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो डिफॉर्मेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल स्क्वायर है। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन होता है वो एरिया पे डिपेंड होता है या नहीं। तो वो एरिया पे डिपेंड नहीं होता, वो किस पे डिपेंड होता है, वो लेंथ पे डिपेंड होता है, वो भी स्क्वायर ऑफ द लेंथ। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो गामा है उस गामा की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब डब्ल्यू के जो हमारा टोटल वेट है उसके टर्म में। और जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइनल जो है फॉर्मूला हम यूज करते हैं फॉर टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट वो हमें मिल जाएगा, दैट इज डब्ल्यू एल अपॉन टू ए। ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये लर्न ही करके रखिएगा। तो केस है वो है कोनिकल बार के लिए। जब कोनिकल बार का सेल्फ वेट एक्ट होता है तो हम वो कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है। देखिए ये कोनिकल बार है और इसका जो लेंथ है वो है एल, और जो इसका वेट है वो हम डब्ल्यू कंसिडर करते हैं, और इस बार को यहाँ पर ऊपर फिक्स किया गया है। तो जब ये वेट एक्ट हो रहा है सेल्फ वेट, उसकी वजह से इसका डिफॉर्मेशन कैसे होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए हम यहाँ पर सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे, उसका डिफॉर्मेशन निकालेंगे, और उसका जो डिफॉर्मेशन होगा उसको ओवर द लेंथ इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें टोटल डिफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये एलिमेंट है और उसका जो लेंथ है वो dx है। इसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम बॉटम वो कितना है, x है। मतलब ये जो एलिमेंट है उसका डिफॉर्मेशन क्यों होगा, ये जो नीचे का जो कोनिकल पोर्शन है उसका जो वेट एक्ट होगा इस dx पर, उसकी वजह से इसका क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, और वो कितना हो रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए इस पर wx वेट एक्ट हो रहा है, ऐसे हमने कंसिडर किया। तो ये है जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया वो dx, और इसका जो डायमीटर होगा वो भी वैरी हो रहा है क्योंकि ये कोनिकल पोर्शन है, तो डायमीटर वैरी होगा। और इस पर जो वेट लग रहा है वो कितना है, wx है। वो कौन सा वेट है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये जो वेट एक्ट होता है वो एज एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट करता है। तो जो हम फॉर्मूला लेते हैं PL अपॉन A, तो PL का जो वैल्यू होगा ये WX का वैल्यू होगा। तो देखिए तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इस एलिमेंट का वो कितना होगा, पाई बाय फोर इंटू डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एरिया जो है वो भी वैरी हो रहा है और जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो भी वैरी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ का जो एरिया होगा उसका हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो कोनिकल बार है उसका जो वेट है वो है W, और उसका जो स्पेसिफिक वेट है वो है गामा। तो जो WX वेट एक्ट हो रहा है इस बॉडी इस एलिमेंट पर वो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो गामा है, गामा इनटू वॉल्यूम वो हम हमें क्या मिल जाएगा, ये WX मिल जाएगा। मतलब ये जो कोनिकल पोर्शन है इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक वेट, हमें जो वेट एक्ट रहा है वो मिल जाएगा। तो वॉल्यूम क्या आएगा, एरिया इनटू लेंथ। एरिया कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू एल, ये जो हो गया ये वॉल्यूम हो गया उस कोनिकल पोर्शन का, और इनटू गामा। तो हमें क्या मिल गया, ये जो वेट एक्ट हो रहा है एलिमेंट पर WX, वो हमें यहाँ से मिल गया।
और इसका जो वैल्यू है हम पी एल अपॉन ए में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखिए डिफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट ड्यू टू डब्ल्यू एक्स वो कितना आएगा, डब्ल्यू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ई। यहाँ पर एरिया जो है वो वैरी हो रहा है जैसे जैसे एक्स का वैल्यू चेंज होगा, तो यहाँ पर एरिया भी वैरी हो रहा है वो, और जो एलिमेंट पर फोर्स एक्ट हो रहा है वो भी वैरी हो रहा है। ये तो हो गया एलिमेंट का डिफॉर्मेशन। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे अब ओवर द लाइन एल और हमें जो टोटल कोनिकल बार का इलोंगेशन होगा वो मिल जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर डब्ल्यू एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और जो ए एक्स होगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो डिफॉर्मेशन आएगा डिफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट उसका जो वैल्यू है ये आएगा और यही वैल्यू को हम ओवर द लेंथ इंटीग्रेट करेंगे। तो गामा इंटू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन थ्री इस वैल्यू को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर सारे कॉन्स्टेंट है, सिर्फ एक्स को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और उसमें जीरो और एल का वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा जो फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, टोटल डिफॉर्मेशन जो आएगा वो कितना आएगा, गामा एल स्क्वायर अपॉन सिक्स। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी जो डिफॉर्मेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है। तो ये बात याद रखिए, ये ईएससी के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद इस इक्वेशन में हम गामा का जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें जो फाइनल जो आंसर है वो क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू एल अपॉन टू ए। तो जो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया सेल डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट फॉर प्रिज्मेटिक बार एंड फॉर कोनिकल बार, तो ये डेरिवेशन अच्छे से याद रखिए और ये जो फॉर्मूलीज है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो ये लर्न करके रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।